पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ मुरादाबाद जिला इकाई की ओर से न्याय भवन के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार रहे। न्याय सभागार में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार और विधिक लोक अदालत के अध्यक्ष प्रमोद कुमार तथा प्रधान परिवार न्यायाधीश अश्विनी दुबे रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर और माल्यार्पण करके किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले पदाधिकारियों में अध्यक्ष ब्रजनाथ पांडे, जिला सचिव अंकित कुमार, उपाध्यक्ष तारा चंद सैनी, सुनील कुमार पांडे, विकास चहल, संयुक्त सचिव नीरज शुक्ला, अमित गुप्ता, बलराम सिंह, संगठन सचिव प्रीतम सिंह, अमान खान, प्रशांत शर्मा, सांस्कृतिक सचिव रीता यादव, कोषाध्यक्ष प्रीति रानी, क्रीड़ा सचिव राम सिंह, ऑडिटर वीरेंद्र सिंह, कार्यालय सचिव प्रकाश सिंह नेगी, मनीष कुमार सक्सेना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दीवानी कर्मचारी न्यायालय संघ जो पूरे उत्तर प्रदेश की शाखा है उसकी मुरादाबाद इकाई में निर्विरोध जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है उसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय थे और बाकी विशिष्ट अतिथि हमारे पुनीत गुप्ता जी ADJ 3 हैं वो थे और सुनील सर हैं ST/ST एक्ट के जज साहब और बाकी सभी न्यायिक अधिकारीगण ACGM साहब CGM साहब सभी उसमें उपस्थित थे। बार की ओर से भी मैं मुरादाबाद बार स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरफ से मैं अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव और जिला बार की तरफ से हर्षरूप साहब, जूनियर बार के लिए हमारे प्रमोद प्रतीकी जी, यूथ बार के लिए नईम, ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। ये हमारा एक जॉइंट परिवार है, हमारा संयुक्त परिवार ही है पूरा, चाहे वो जुडिशरी वाले हों या हमारे न्यायिक परिवार के लोग हों, सब एक ही परिवार है। और इस परिवार में आज ये एक विशेष कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भी संदेश है कि हम उनके साथ हर सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी बात हो तो हमें कोई हिचक नहीं है कि कोई भी सहयोग के लिए अगर हमसे कहा जाएगा तो हम उसके लिए तत्पर हैं। ये तो देखिए कितने जो उनकी कार्यकारिणी है उसमें अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और सांस्कृतिक उनके संयुक्त मंत्री हैं, संयुक्त सचिव हैं और कार्यकारिणी के बाकी सदस्य हैं, तो उनकी डिटेल तो आपको जो नए अध्यक्ष हैं पांडे जी वो देंगे या हमारे दीपू भाई साहब हैं ये देंगे। शपथ हमारे बड़े सामने दिलवाई है और ये उनको अनुशासन का एक जो सूत्र दिया है वो अनुशासन का सूत्र हमेशा और हर जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो हमारा ये एक जॉइंट वेंचर है, जैसा हमारे ब्रदर साहब ने कहा कि भाई अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी एक रथ के दो पहिए हैं, लेकिन उसमें बीच में उन पहियों को जोड़ने वाली एक धुरी भी है और वो धुरी हमारे जो श्राफ्ट है एक तरीके से कह लें, वो धुरी हमारे कर्मचारी लोग हैं, तो इनके बिना भी कोई काम नहीं चल सकता। मैं बड़े साहब से ये अपनी बात शेयर कर रहा था कि हमारा परिवार जो है वो एक जॉइंट वेंचर है और इस जॉइंट वेंचर की कड़ी में अगर कोई भी कड़ी मिस होती है, देखिए इतनी बड़ी जितनी भी टेक्नोलॉजी है जितने भी काम हो रहे हैं अगर एक छोटा सा तार टूट जाए तो कार बंद हो जाएगी चाहे कितनी कीमती हो। तो ये जो हमें ये नहीं सोचना चाहिए था, ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आई, मेरे दिमाग में तो कभी भी नहीं आई कि कर्मचारी हैं तो इनका कोई स्तर अलग है या स्टेटस अलग है। ये हैं न्यायिक अधिकारी हैं, न्यायिक कर्मचारी, ये सब एक परिवार है, संयुक्त परिवार है और ये इतने वर्षों से चल रहा है, करीब करीब 42 साल मुझे भी होगा यहाँ पे कचहरी में वकालत करते हुए, तो ये इसमें कभी मैंने कोई खटास नहीं देखी। तो मेरा अब भी ये कहना, मैं सबको नए जो पदाधिकारी आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनका उनके लिए हमारा सहयोग हर समय उपलब्ध है, जब भी वो हमें अपने किसी बात के लिए याद करेंगे तो हम उनके लिए पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।